नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। भंडारा जिले में इन दिनों कुछ ग्रामवासी अनशन पर बैठे हैं। अनशन पर बैठने का मुख्य कारण है कि यहां पर भंडारा जिले के विभाजन के इतने सालों बाद नवोदय विद्यालय की सौगात मिली है, लेकिन प्रशासन नवोदय विद्यालय जैसे सौगात को अन्यत्र स्थानांतरित करने का षड्यंत्र कर रहा है। कारण बताया जा रहा है कि भंडारा में जहां पर नवोदय विद्यालय लगना है वहां का भवन ठीक नहीं है, जबकि अनशन पर बैठे लोगों का कहना है कि भंडारा जिले में कई ऐसे भवन हैं जहां पर नवोदय विद्यालय का संचालन किया जा सकता जहां पर नवोदय विद्यालय का संचालन किया जा सकता है। आखिरकार क्या कुछ कहा अनशन पर बैठे लोगों ने, देखिए भंडारा जिले में पुलिस वाला की एक रिपोर्ट। आणि पूर्ण मेरिटचे स्टुडंट असतात सर, व्यवस्था नाही का, सी बी एस सी आले 90 भरभराटून आलेले आहेत, 1000 लोक 60000 लोक 90 वर्क आलेले आहेत। आता फक्त आमच्यासोबत बचाव करून राहिलेलं आपलं सरकार। मी निषेध करतो या शासनाचा, निषेध करत आहो मी बिलकुल। राज्य सरकार असो ना केंद्र सरकार असो, या बाबतीतली वाद त्यांना काही म्हणजे संवेदनाही झालेला आहे। त्या ठिकाणी दोनच संडास आहेत, 20 मुलं चाललेले असतात, आपल्याकडे 6 लोक असणार, एक संडास राहिला ना घरी बघू की आपण एक वेळा किंवा एक पडू शकते। उंदीर आहेत माझ्या घरी, काल नाग साप निघाला साहेब, मी लवकर गेलो, नाग होता खूप मोठा, नऊ नागाला उंदीर आहेत, मोठे मोठे उंदीर आहेत माझ्या घरचा पॉश एरियामध्ये, सगळीकडे चांगले आहे। और विकास का मुद्दा है कि भंडारे जिले का विभाजन आज से 18 साल पहले हुआ, लेकिन भंडारे जिले को 18 साल बाद पिछले साल 2017-18 में जवाहर नवोदय मिला। जवाहर नवोदय विद्यालय का इतना अच्छे तरीके से जो बच्चे वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, जहाँ से वो पढ़ के निकलते हैं, वो अच्छे उच्च अधिकारी बनते हैं। तो ये हमारे भंडारे जिले के वासियों के साथ बहुत बड़ा कारस्थान हुआ है शासन की ओर से कि इतने सालों बाद हमारे को जो जवाहर नवोदय विद्यालय मिला है उसमें भी अभी तक अपूरी सुविधाएं हैं। तो इस वजह से हम ये आंदोलन अनशन को बैठे हैं और इसके लिए हमारे आमदार बच्चू बहू कड़ू ने पाठिंबा भी दिया है, सहमति भी दिखाई है। तो इसमें सबसे जो पहली मांग है, हम उपोषण करता हूँ कि जो उपोषण में बैठे हमारे भाऊ कातोरे साहब, मंगेश वंजारी, माथुरकर साहब और ढेंगे साहब नौकर जी, तो ये जो बैठे हैं तो ये मांग जायज मांग है। और ये भंडारा जिला प्रशासन और भंडारा जिला के जनप्रतिनिधि छुट्टियों में छुड़ा यानी इसको निपटा सकते हैं, लेकिन ये इनकी एक हम कहेंगे ये इनकी एक नामर्दानगी है, नामर्दानगी दिख रही है कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे पर्यायी व्यवस्था करने की ज़रूरत है। और जो जवाहर नवोदय विद्यालय का कानून है उसके हिसाब से हर साल 80 विद्यार्थी अध्ययन के लिए इनको लेना है, वो अभी तक नहीं लिए। इन्होंने पिछले सत्र में सिर्फ 36 विद्यार्थी लिए है, तो उसमें 44 विद्यार्थियों का नुकसान हुआ है। जवाहर नवोदय विद्यालय भारत देश में कुल 565 है, उसमें से 564 का निकाल जाहिर होकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन एकमात्र भंडारा जिले का निकाल अभी तक ना जाहिर हुआ है ना कोई प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन इसके लिए इमारत का जो ये इमारत। डिंडोरी जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र के थिरवन गांव में एक महिला की संदेहास्पद स्थिति में पेड़ पर झूलती लाश मिली। महिला के पति के अनुसार महिला के द्वारा आत्महत्या करना बताया जा रहा है, जबकि मायके वालों का कहना है कि इसकी हत्या की गई है। महिला के मायके वालों ने पुलिस थाने में लिखित शिकायत करते हुए कार्यवाही करने के लिए अड़े रहे। वहीं पुलिस द्वारा समझाइश के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले महिला की डिलीवरी हुई थी और उसके नवजात शिशु की शाहपुरा अस्पताल में ही मौत हो गई थी। तब से पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद शुरू हो गया था और शव गृह के पास ही मृतका के मायके वालों ने उसके पति के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी और एक घंटे तक हंगामा करते रहे। मृतक के परिजनों की मांग थी कि मृतका के पति को गिरफ्तार कर कार्यवाही के लिए अड़े रहे, जिस पर पुलिस ने समझाइश दी। मामले में मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। सर, मैंने दीदी के घर गया था, जब तो उसके कमरा में जाके देखा तो खून और थूक वगैरह सब पड़े हुए थे, जो मेरे को ये शंका हो गया था कि दीदी को मार के लेके बाहर फांसी में लटका दिया गया। अच्छा, तो मैंने समझ गया कि उसके जखमक में भी देखे तो मैं समझ गया कि इसको मार के फांसी में लटका। क्या हो गया? कल मेरे को खबर मिला सवेरे 6 बजे, दमान मेरे फोन किया कि मामा जी आपके लड़की लड़का ये करके भाग गया। मेरे को खबर मिला, मैंने हटपटा गया, घबरा गया और तत्काल एक मोटरसाइकिल
मांग करके और लड़की के साथ में उसकी मम्मी साथ में तीनों हम लोग धीरवन चले गए। धीरवन में गए तो वहाँ घर में हमारी समझी की महतारी मिली, वो भी हमें देख करके अंदर घुस गए। समझा अंदर से पानी लेकर निकली, हम पैर धुले बैठे और हमें कोई दिखाई नहीं दिया, ना तो दामाद ना बेटी। लेकिन हम फिर वहाँ बैठे रहे। इसके बाद हमारी समधना के पास में बैठी और रोने लगी और कही, भैया दाऊ रश्मी भाई 2:30 बजे के निकले हैं रात में, अभी तक उसका पता नहीं है, पता कहाँ गया कहाँ नहीं, और सुरज ढूंढने के लिए निकला है तो उसका भी पता नहीं है। हम देखे सुने कुछ टाइम तक, इसके बाद वापस हो गए। वापस होने के बाद में हम खेत चले गए, फिर यहाँ से फोन गई और बोली कि नहीं, खेत से बुलाने लगे कि आओ फिर से दोबारा मिल गई बच्ची। उसकी खबर पाती ही हम लोग फिर धीरवन आए, बच्ची को समझाने के लिए आए बच्ची को कि मिल गई, ठीक है हम समझा के घर ले आएंगे। लेकिन मिल तो गई। और जाते हैं हम धीरवन तो वहाँ देखते हैं बहुत भीड़ रास्ते में बंधान के पास, और वहाँ पुलिस स्टाफ भी थी। और फिर इसके बाद हमें जब सभी लोग जुड़कर ले जाने लगे एक खेत के मेड़ में, एक सरी की झाड़ में बच्ची लटकी हुई थी, उसको लटका दिया गया था। वो हमें लटके हुए दिखाई दी, हमने वहाँ बहुत जम से रोया मचला और हमारी सुधबुद्ध भूल गई बहुत बड़ी। और हम पुलिस, क्या मामला है? कल दिनांक 10/8/18 को थाना शेखपुरा में एक सूचना आई थी कि ऐसी महिला है जो फांसी पर लटकी पाई गई है। इसकी रिपोर्ट पर थाना शेखपुरा में उम्र क्रमांक 48/18 कायम किया गया। मौके की जांच की गई, मौके पर देखा गया कि एक महिला ग्राम धीरवन की है। धीरवन के जंगल गांव से 1.5 किलोमीटर समथिंग पश्चिम में उसकी लाश पाई गई थी, जिसका मर पंचनामा कार्रवाई की गई, तहसीलदार श्री वर्मा साहब द्वारा कार्रवाई की गई है। इसका पोस्टमार्टम घर पर आज उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। परिजनों का ऐसा कहना था कि उसके शरीर में कुछ चोटें आई हैं और ऐसे डॉक्टर की भी टीम कहना है, इसकी जांच की जा रही है। संभवतः अनावेदकों के खिलाफ में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। डिंडोरी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुरा में बिलगड़ा कुटाई निवासी ननिया बाई की इलाज के दौरान मौत हो गई और मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया है कि इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद ही महिला की मौत हो गई। मृतका ननिया बाई को शुक्रवार को इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं सर्पदंश से पीड़ित एक और महिला की आज ही मौत हो गई। इस मामले पर अस्पताल प्रशासन मौन रहा। मरीज के परिजनों ने इन मौतों पर अस्पताल में हंगामा मचाया। बढ़ते हंगामे को देखते हुए पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने पंचनामा और मरीज के परिजनों के बयान दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि इस अस्पताल की व्यवस्था चरमराई हुई है। अस्पताल के जिम्मेदार डॉक्टर बीएमओ की कुर्सी को लेकर राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। मौतों का अस्पताल में लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। जिले के आला अधिकारी मूक दर्शक बनकर बैठे हैं और अस्पताल में इस तरह लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। डिंडोरी में जोरदार बारिश तो जहां किसानों के चेहरे में खुशी है, तो वहीं नगर की जनता के चेहरे में गम। तेज बारिश के चलते चारों तरफ पानी ही पानी था। क्या सड़क, क्या नाले, क्या गलियां और क्या घर, सभी तरफ पानी ही पानी था। जानकर आप भी सोचेंगे कि ऐसा क्यों। दरअसल डिंडोरी नगर की साफ सफाई का जिम्मा नगर परिषद के कंधों पर है, लेकिन नगर में साफ सफाई किस तरह होती है, इसकी पोल डिंडोरी में हुई आधे घंटे की बारिश ने खोल कर रख दी है। ऐसा ही कुछ नजारा वार्ड नंबर 5 में देखने को मिला, जहां आधे घंटे की बारिश में रहवासियों के घरों के हर कमरे में जलमग्न हो गए, तो घरों में रखे बर्तन तैरते नजर आए। हर कमरों में पानी ने घर में रखी सामग्री को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों का कहना है कि नगर परिषद की लापरवाही से नालियों का पानी उनके घरों में पानी घुस रहा है। नालियों की गंदगी और कचरा पानी के सहारे हर कमरों में फैल गया। जिन घरों में युवा नहीं है, वहां बुजुर्गों को ही पानी उलीच कर घरों से निकालना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 5 के निवासी डॉक्टर आनंद गवले का कहना है कि हमारे मोहल्ले में दोनों नालियां जाम है, जिसके चलते आसपास के सभी घरों में पानी घुस जाता है। हमारे द्वारा इसकी शिकायत पूर्व में भी की गई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमने इसके पहले पंचायत चुनाव का बहिष्कार इसी के चलते किया था, लेकिन जनप्रतिनिधियों के कहने पर हमने वोट किया,
लेकिन इस बार हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। केवलारी के प्रार्थी संजय पिता बब्बू दास गांगेश्वर निवासी रायखेड़ा द्वारा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि कुआं के पार पर रखी हुई पानी सिंचाई की एक एचपी की मोटर कीमत 8,825 की अज्ञात चोर चोरी करके ले गए हैं। पुलिस थाने द्वारा अपराध पंजीबद्ध करने पर पुलिस अधीक्षक श्रीमान विवेक राज सिंह एसडीओपी के आर केरवती के मार्गदर्शन में चोरी गई विद्युत मोटर की पतासाजी करने के लिए मुखबिर की निशानदेही पर ग्राम डोब के सुधीर मरावी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसके द्वारा दिनांक 6 अगस्त 2018 को प्रार्थी की मोटर कुएं से चोरी करके अपने घर में पीछे छिपा कर रखने की बात स्वीकार की। पुलिस थाने में पदस्थ एएसआई प्रदीप पांडे के नेतृत्व में बीडी कुमारे प्रधान आरक्षक भूपेंद्र सिंह रविंद्र सिंह आरक्षक के द्वारा चोर के घर से मोटर जब्ती करते हुए आरोपी को दिनांक 10 अगस्त 2018 को न्यायालय सिवनी में पेश किया गया। एएसआई प्रदीप पांडे की सक्रियता से 4 दिन में ही चोर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा। आजादी के बरसों बाद रोशन हुई ग्राम पंचायत बरमान कला की गलियां। नर्मदा के पावन तट पर जहां की प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं और दर्शन के लिए भी आते हैं, पर एक और जहां सूरज ढलने के बाद अंधेरा छा जाता था और घरों में निकलने वाली लाइट ही सड़कों तक पहुंच पाती थी, आज ग्राम पंचायत बरमान के सफल प्रयासों द्वारा प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की घोषणा के अनुसार स्ट्रीट लाइट का कार्य विधिवत तरीके से संपन्न किया गया और नर्मदा तक पहुंचने वाले रास्ते रोशनी से जगमग हो गए, जिसमें कि ग्राम पंचायत बरमान और विद्युत मंडल बरमान का सराहनीय योगदान रहा। उक्त स्ट्रीट लाइट का शुभारंभ जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती शीला देवी ठाकुर प्रतिनिधि ठाकुर राजीव सिंह द्वारा गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में सरपंच संजीत ठाकुर सचिव अरुण शर्मा विद्युत विभाग बरमान के सहायक अभियंता लोधी की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। समस्त ग्रामवासियों ने तहे दिल से मध्य प्रदेश शासन का आभार भी व्यक्त किया। स्थानीय लोगों की बहुत पहले से डिमांड थी कि कोई विद्युत विभाग की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था हो कि लाखों लोग श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं अवश्य पूर्णिमा में। हमेशा स्ट्रीट लाइट जो पंचायत की तरफ से होती थी कहीं ना कहीं एक बड़ी नगरी को देखते हुए वो व्यवस्थाएँ कम पड़ जाती थी, तो नमामि देवी नर्मदा यात्रा के दौरान प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी बोला था कि हमारे जितने भी बड़े क्षेत्र हैं, धार्मिक क्षेत्र हैं, बड़ी पंचायतें हैं, उनमें स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था अच्छी और समुचित की जाएगी। आज प्रदेश सरकार की मंशा से हमारे नरसिंहपुर ज़िले में एक साथ 40 बड़ी जगह पर ये योजना का शुभारंभ किया गया। इसी के तहत एसी साहब हमारे चौबे जी, जेई साहब लोधी साहब हमारे सरपंच जी, स्थानीय लोग सब आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और विद्युत व्यवस्था का यहाँ पर विधिवत शुभारम्भ किया गया। सरपंच साहब क्या कहेंगे आज बरमान में जो लगभग 100 लाइटें लगी हैं और पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं इस लाइटों के साथ? इसके फ़ायदे ये हैं कि अभी बरसात का सीज़न है, अंधेरा रहता था, कीड़े मकोड़े निकलते थे, यात्री आते थे, बरमान एक तीर्थ स्थान है, लाखों यात्री श्रद्धालु आते थे, चोरियाँ कम होगी और बरमान में एक त्यौहार जैसा लग रहा है। मेरी लाइफ में तो और पहली बार इतनी लाइटिंग देख रहा हूँ मैं, और हम लोग तो एनटीवी द्वारा अमाउंस मिलने में बहुत परेशान होते थे। क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं ये सभी ग्रामवासी से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो सौगात सरकार ने दी हो एनटीवी द्वारा जो बरमान को लाइटिंग की प्रदान की गई, इसका रखाव करें और जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको इसका लाभ मिल सके, और हम आभार व्यक्त करते हैं एमपीवी के धोदी जी का, गुप्ता जी का, सभी का। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया नीमच जिले का जावद और मनासा विधानसभा क्षेत्र में आम सभा को संबोधित करने गत दिनों उदयपुर से प्रस्थान कर सड़क मार्ग द्वारा 12 बजे जावद पहुंचे। कार्यक्रम के संयोजक समंदर पटेल ने मंच पर श्रीमंत से आशीर्वाद मांगा। श्रीमंत ने जावद के कृषि उपज मंडी प्रांगण में विशाल आम सभा को संबोधित किया। मंच पर कई विकल्प चेहरे भी सामने आए। समंदर पटेल के ओजस्वी भाषण से पूरा सदन तालियों से गूंज उठा।
इसके बाद श्रीमंत सिंधिया ने मंच संभालते हुए पूरी जनता को आश्वासन दिलाया कि कांग्रेस पूरी तरह से आम जनता के साथ है। सिर्फ एक बार दिल से याद करना, ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा आपको अपने साथ मिलेंगे। उन्होंने मंच से प्रदेश मुखिया शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा, कहा कि मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा नहीं बल्कि ये उनकी प्रदेश से विदाई यात्रा थी। भावांतर उनका सबसे बड़ा छलावा था। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार के हाथ खून से रंगे हुए हैं और ये कालिक कभी नहीं धुल सकती। चुनावी दौर का शंखनाद होते ही शिवराज जी को जनता की याद आ गई। बाकी किसानों पर गोलियां चलवाते हुए उनके हाथ नहीं कांपे। समय आ गया है, अब जनता को इस कमलाए हुए कमल से निजात पाना होगा। कांग्रेस सत्ता में आएगी, जनता अपना भरपूर आशीर्वाद देने को बेताब है। पूरे कार्यक्रम में समंदर पटेल छाए हुए थे। श्रीमंत के पूरे भाषण के दौरान समंदर पटेल उनके साथ खड़े हुए थे। परेशान है, महिला परेशान है, जन जन परेशान है। ये अच्छे दिन के जुमले को पूर्ण रूप से विश्वासघात का जुमला में परिवर्तित कर दिया है और आप जन का परिवर्तन लाते हैं। सावन का महीना यानी कि शिव की आराधना का महीना। मानना यह है कि जो भक्त सावन माह में भगवान का जलाभिषेक करते हैं, भगवान शिव उनकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। पूरे देश में शिव भक्त कांवड़िए पैदल कांवड़ लेकर जल भगवान शिव का अभिषेक करने को निकल चुके हैं। शाहपुरा भिटौनी में कांवड़ यात्रा निकली। यात्रा का आरंभ मां नर्मदा देवी के तट से कांवड़ियों का जत्था बड़ी धूमधाम से शिव जी के पवित्र धाम बांदकपुर की ओर निकल चुका है। बोल बम बम का जयकारा लगाते कांधे पर कावर रखकर नंगे पैर चलते हैं। ये बहुत कठिन यात्रा मानी जाती है। इस दौरान कांवड़िए रास्ते में भगवान शिव की आराधना करते हुए नाचते गाते पूरा सफर तय करते हैं। मार्ग वहाँ पर पहुँचा। हेलो, कितने भक्त हैं इसमें? करीब यात्रा में 1000 भक्त हैं, 1000 की संख्या में, और अभी श्रद्धालु भी शामिल होंगे। आप कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? आज हमें ऐसी खुशी हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि साक्षात भोले बाबा की चरणों में आ गया हूँ मैं। कहाँ से कहाँ तक चालू है कांवर यात्रा? शेखपुरा बस्ती जो है, यहाँ के धर्मगुरु जनता है, इनके द्वारा माल कछार से नर्मदा जी के स्नान करने के बाद यात्रा उठाई जाती है। अपने अपने कलश भरे जाते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। थाना प्रांगण में जो मंदिर है माता का, वहाँ सब लोग इकट्ठे होंगे। आप देख सकते हैं कितनी जनसंख्या में शिव जी के जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं। सावन का महीना यानी कि शिव जी की आराधना का महीना है ये, और श्रद्धालुओं में बड़ी उमंग है, बड़ा जोश है, और ये कांवड़ लेके शंकर जी का अभिषेक करने के लिए बांदकपुर के लिए निकल चुके हैं। पुलिस वाला वेब न्यूज के साथ धनंजय शर्मा, सहप्रा भटौनी। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत नाचनबाई के एक बुजुर्ग महिला मेतरहीन कमार पति मनराखन कमार उम्र 70 की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। आरोपी मुन्ना लाल कुमार मृतिका के रिश्ते में दूर का भतीजे हैं। उन्होंने सुबह 6 बजे घटना को उनके घर में ही अंजाम दिया। हत्या कर घटना को आत्महत्या का रूप देने छुरी को मृतिका के हाथ में रखा ताकि पता न चल पाए। बुजुर्ग महिला की कोई संतान नहीं होने के चलते उनके पति ने दूसरी शादी करके जमाही गांव में रह रहा था। बुजुर्ग महिला अकेली अपने इंदिरा आवास मकान में खुद खाना बनाकर खाती थी। वो गुंडरदेही के रुपई मंदिर में झाड़ू पोछे का काम करती थी। तबीयत खराब होने के चलते 10 दिन पहले नाचनबाय आया हुआ था। मृतिका के नाम 15 काठा का खेत था जिसे रेग में किसी को दिया हुआ था। आरोपी को उस खेत को रेग में लेने के लिए मृतिका से आए दिन झगड़ा करता था और आरोपी को देना नहीं चाहता था, जिसके चलते आरोपी ने यह कदम उठाया है। आरोपी के खिलाफ 302 के तहत न्यायालय में पेश किया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। मामला ऐसा है कि दिनांक
5/8/18 को थाना फिंगेश्वर में एक मर क्रमांक 51/18 दर्ज किया गया था मृतिका मेहतरीन बाई के नाम पर। और बाद में जब पुलिस अधीक्षक महोदय श्री एम आर अहिरे, एडिशनल एसपी मैडम नेहा पांडे और एसडीओपी संजय ध्रुव सर के मार्गदर्शन में थाना फिंगेश्वर में टीम गठित की गई जो उस मर्ग जांच पर आगे की कार्रवाई करने लगी। जांच पर पाया गया कि मृतिका का भतीजा मुन्ना लाल कमार, जो जमीन विवाद मृतिका से उसका लगातार चला आ रहा था, भूमि को रेखा के देने के संबंध में और उसकी भूमि हड़पने की उसकी मंशा थी, उस मंशा के तहत जो है उसके ऊपर संदेह हुआ। बुलाकर जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने अपने मेमोरेंडम कथन में बताया। गरियाबंद जिला जो बहुमूल्य हीरा और अलेक्जेंडर जैसे रत्नों का क्षेत्र होने के कारण अपना स्थान पूरे विश्व में बनाए हुए है, तो वहीं जिले के चारों तरफ से देवी देवताओं से घिरा हुआ है और ये देवी देवता अपनी छत्र छाया यहाँ के निवासियों के ऊपर बनाए भी हुए हैं। राजिम में स्थापित राजीव लोचन कुलेश्वर महादेव, कोपरा में कोपेश्वर महादेव, जिला मुख्यालय में स्थापित विश्व प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव के साथ देवी के रूप में निराई माता, गजराई माता, जतमाई माता और घटारानी रानी के अलावा क्षेत्र में अनेकों देवी देवता विराजमान हैं, जिनके छत्र छाया में जिला विकसित तो हो ही रहा है, साथ ही गजराई, घटरानी और जतमाई धार्मिक स्थल जो प्राकृतिक सुंदरता के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है, जहां बरसात के दिनों में लोग अपने परिवार सहित माता के दर्शन के लिए आते हैं और साथ ही घंटों रुककर प्राकृतिक सुंदरता को निहारते हुए समय बिताते हैं। यह स्थल जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर, ग्राम पांडुका से 15 किलोमीटर और छुर्रा से भी 15 किलोमीटर के लगभग में स्थापित है। आज ये धार्मिक स्थल का नाम पूरे राज्य में चर्चित हो चुका है, जिसमें लोग हर दिन हजारों की संख्या में आते हैं और माता के दर्शन के साथ रोमांचित नजारे को भी निहारते हैं, जिसमें जतमाई माता और घटरानी का स्थल बरसात के दिनों में लोगों को अत्यधिक प्रभावित कर लोगों को आकर्षित करता है। इन दोनों स्थानों में प्राकृतिक झरना है जो लोगों को बरबस अपनी ओर खींचता है, जहां लोग नहाने का भी मजा लेते हैं और पिकनिक स्थल जैसा होने के कारण लोग यहां खाना बनाते और खाते हैं। वहीं जतमाई माता के स्थान के नजदीक तोरंगा जलाशय भी मौजूद है जो हर दिन पिकनिक मनाने वालों से भरा रहता है, लेकिन कुछ शराब के शौकीन लोगों के द्वारा शराब पीकर बॉटल उसी बांध के नजदीक फेंक देते हैं या तोड़ देते हैं, जिससे वाहन को नुकसान होता है। वहीं कुछ लोगों को भी इससे चोट लग चुकी है, जिसके कारण जतमाई माता समिति और बांध के तेदार ने लोगों से अपील करते हुए शराब के बचे बोतल को सुरक्षित स्थान में रखने की अपील भी की है, ताकि दर्शनार्थियों और पिकनिक मनाने वालों को इससे नुकसान न उठाना पड़े। जबलपुर त्रिपुरी चौक गड़ा थाने के पास श्री खेरमाई मंदिर भगवत कथा का शक्ति रामायण महिला मंडल द्वारा श्री भगवत कथा का प्रारंभ दिनांक 30 जुलाई प्रथम सावन सोमवार से आखिरी सावन सोमवार तक चलेगी, जिसके कथावाचक श्रीमती विद्या तिवारी हैं। इसके मुख्य श्रोता विमला विश्वकर्मा, गोमती तिवारी, अरुणा ठाकुर, अभिलाषा ठाकुर, उर्मिला सेन, बबली सोंधिया, अनीता कोरी, सुषमा चौधरी, भगवती कोरी, रजनी गोस्वामी, उमा प्यासी दुर्गा विश्वकर्मा, ममता पटेल, स्नेहलता विश्वकर्मा, मुन्नी गोस्वामी, श्री देवाशंकर सेन, जिन्होंने 10 अगस्त को कृष्ण जन्म बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसमें जब कृष्ण जन्म हुआ उसके बाद पूरे मोहल्ले में धूमधाम से झांकियां निकाली। आगामी दिनों में रुक्मणी विवाह 14 तारीख, सुधामा चरित 16 तारीख, हवन पूजन 20 तारीख, भंडारा 21 तारीख को होगा और भगवत कथा का संपूर्ण कार्यक्रम 21 अगस्त को समाप्त होगा। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि इस भागवत कथा में सम्मिलित होकर इस भागवत कथा को सफल बनाएं। हमारे यहाँ भागवत में आज कृष्ण जन्म बहुत धूमधाम से मनाया गया। भगवान कृष्ण की झांकी निकाली गई, बहुत धूमधाम से प्रसाद पता। जब जब धार्मिक की हानि होती है तब तक भगवान जन्म लेते हैं और बहुत कई जन्मों का पुण्य उदय होता है जब से भागवत कथा प्रारंभ होती है। बड़ी धूमधाम से मनाया गया है और ये प्रोग्राम 14 तारीख को होगा और उसके आगे 20 तारीख उसका समापन होगा और 21
आपको कन्या भोज है भंडारा भंडारा होके ये समाप्त होगा। आज हमारे यहाँ कृष्ण जन्म था और हम लोग छोटे से रामायण मंडल में रामायण करते थे। हम लोगों ने सब लोग मिलकर विद्या कमाई थी, हम लोग भागवत सुनना चाहते हमने हमारे यहाँ से और फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।